संघर्ष करोड़ों लोगों की भावनाएं, करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि जिस धरती पर भगवान अवतार लेगा, भगवान जहां आएगा उनके आने से पहले श्री कल्कि धाम की स्थापना हो रही है और श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य का विषय हो ही नहीं सकता। ये हमारे परम सौभाग्य का विषय है, ये भारत के उत्सव का विषय है, भारत के गौरव का विषय है। और मैं समझता हूं कि जहां भगवान आया वहां अयोध्या में सारे काज मोदी जी के हाथों से हुए जी। और जहां भगवान आएगा उसके काज करने के लिए भी भगवान ने मोदी जी को चुना। कल्कि धाम में शिलान्यास को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। इसके लिए भव्य पंडाल की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें करीब 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कल्कि धाम में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम में आने वालों के लिए 6 हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके साथ ही साधु संतों के ठहरने के लिए टेंट बनाए गए हैं। पंडाल में करीब 2,000 कुर्सियों की व्यवस्था है। पंडाल में ब्लॉक के हिसाब से कुर्सियां लगी हैं, जिससे कार्यक्रम में शामिल लोगों के बैठने की व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। श्री कल्कि धाम के शिलान्यास के लिए गर्भगृह को संवारा जा रहा है। करीब 1500 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, इसमें अधिकारी भी शामिल हैं। बीते 10 दिनों से चल रही तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है तो पीएम मोदी के आगमन का। 19 फरवरी 2024 ये तारीख ऐतिहासिक होने जा रही है, खासकर संभल के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले लोगों के लिए, क्योंकि भगवान कल्कि का भव्य मंदिर जिसका शिलान्यास इसी तारीख को हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर मौजूद होंगे, जब वो अपने हाथों से पहले शिला को रखेंगे, उस वक्त हजारों की संख्या में साधु संत और वीआईपी मेहमान भी संभल के ही इसी जमीन पर मौजूद होंगे और वो खुद प्रत्यक्ष दर्शी होंगे। मेरे पीछे जो पंडाल इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर तैयारी अब आखिरी चरण में चल रही है। ये टेंट बनाया गया है, ये इस तरह का टेंट है कि धूप बारिश का इस पर कोई असर नहीं होगा। 10,000 की संख्या में साधु संत इसके अंदर मौजूद होंगे जब शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा होगा, ऐसा बताया गया है। और साथ ही इसी टेंट के पीछे का हिस्सा है जहां पर वो जगह है जहां पर शिलान्यास किया जाना है, यानी कि गर्भगृह स्थापित किया जाना है, भगवान कल्कि का मंदिर स्थापित किया जाना है। 5 एकड़ में वो मंदिर होगा और इस टेंट के पीछे ही वो हेलीपैड है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां उतरेंगे हेलीकॉप्टर से और सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद मंदिर का शिलान्यास करेंगे। और उस मंदिर के शिलान्यास के वक्त किस तरह की तैयारी है वो तैयारी न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचने के लिए पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी तय है। तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10:31 से 10:37 तक पीएम मोदी गर्भगृह में मुख्य शिला को स्थापित करेंगे। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर से जुड़े महात्मा वैदिक मंत्र के साथ पूजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सुबह 10:39 पर प्रधानमंत्री परिक्रमा करते हुए पूर्व के द्वार से बाहर निकलेंगे। इसके बाद कल्कि धाम के भव्य मंदिर के प्रारूप का लोकार्पण भी करेंगे। सुबह 10:41 पर मंच पर कल्कि धाम के संत करेंगे स्वागत। मंदिर के प्रारूप को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया जाएगा। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। इसके बाद पीएम मोदी कल्कि धाम से प्रस्थान करेंगे। श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पिछले दिनों दिल्ली में प्रधानमंत्री को समारोह का न्योता दिया था। पीएम ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए समारोह में शामिल होने के प्रति आश्वस्त किया था। अब एंचोड़ कम्बो में श्री कल्कि धाम के शिलान्यास को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं दी हैं। कल्कि धाम में शिलान्यास को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया जाना एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अवसर होगा। भगवान राम के अवतरण की तरह भगवान कल्कि का अवतार भी दुष्ट प्रवृत्तियों के विनाश और सत प्रवृत्तियों के उत्कर्ष का कालखंड होगा। कल्कि धाम मंदिर का निर्माण संकल्प सनातन मूल्यों को पुनः स्थापित करने की दिशा में वंदनीय प्रस्थान है। इस शुभ संकल्प की सिद्धि के लिए हृदय से शुभकामनाएं। भगवान राम के अवतरण की तरह भगवान कल्कि का अवतार भी बुराइयों के विनाश और अच्छाइयों के चरम का समय होगा। श्री कल्कि धाम मंदिर के निर्माण का संकल्प ही सनातन मूल्यों को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय काम है।
आने वाले दिनों में श्री कल्कि धाम मंदिर देश की आध्यात्मिक विरासत और श्रद्धा का एक और केंद्र बनेगा और शिलान्यास के लिए तैयार कल्कि धाम सनातन के नव उत्थान का गवाह बनने के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो कल्कि धाम में सनातन की विरासत के प्रतीक एक और देवालय का शिलान्यास होने जा रहा है। पूरे मंदिर परिसर को सफेद और भगवा रंग से सजाया गया है। कल्कि मंदिर का मॉडल भी सामने आ चुका है। विश्व के पहले और अनोखे मंदिर की कई खूबियां भी हैं। तमाम खूबियां आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। अवधपुरी से कल्कि धाम, जय श्री कल्कि, जय श्री राम। संभल जिले में इस समय यही जयकारे गूंज रहे हैं। हो भी क्यों ना, यहाँ भगवान विष्णु के दसवें अवतार भगवान कल्कि का मंदिर जो बनने जा रहा है। देश विदेश में भारत की आध्यात्मिक और नैतिक विरासत के प्रतीक स्वरूप महान देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा द्वारा देश की सामाजिक और राजनीतिक चेतना में नई ऊर्जा का संचार किया जा रहा है। कल्कि पीठ अपनी पुरानी जगह ही रहेगा। जब कल्कि धाम बनकर तैयार हो जाएगा तब उसके लिए भगवान का नया विग्रह होगा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। इसके लिए एक अद्भुत प्रतिमा लाई जाएगी। धर्म ग्रंथों की माने तो उसमें ये लिखा है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो भगवान शिव के द्वारा उन्हें देवदत्त नाम का श्वेत अश्व प्रदान किया जाएगा। भगवान परशुराम उनको खड़ग प्रदान करेंगे। भगवान बृहस्पति उनको शिक्षा दीक्षा देंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे ही स्वरूप में भगवान का विग्रह होगा। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि यही जगह क्यों? पुराणों में ऐसा क्या वर्णित है, स्वरूप कैसा होगा? पुराणों में लिखा है बड़ा साफ साफ कि भगवान का कल्कि अवतार संभल नामक स्थान पे होगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी जहाँ भगवान का अवतार होगा वो संभल में होगा, संभल ग्राम में होगा और विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ होगा। और 24 कोस की परिधि में जिस संभल में भगवान अवतार लेगा वो 68 तीर्थ होंगे। वो 68 तीर्थों की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा होगी। दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा हर मंदिर प्यारे। ये है भगवान जहाँ आएगा उसके चिन्ह। खैर, सोमवार को पीएम मोदी गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। ये गर्भगृह जमीन से 5 फीट नीचे बनाया जा रहा है जिसके लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। कल्कि धाम को विश्व का सबसे अनोखा मंदिर कहा जा रहा है और इसके पीछे कई वजह हैं। विश्व का सबसे अनोखा मंदिर कल्कि धाम, विश्व का पहला ऐसा धाम भगवान के अवतार लेने से पहले बन रहा मंदिर। इस मंदिर में एक नहीं 10 गर्भगृह होंगे, भगवान विष्णु के 10 अवतारों के गर्भगृह। इस मंदिर के में 10 गर्भगृह होंगे, एक दो नहीं बल्कि 10 गर्भगृह होंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित वो गर्भगृह होंगे। सभी 9 अवतार के दर्शन के बाद जो अंतिम वाला गर्भगृह होगा वो होगा भगवान कल्कि का गर्भगृह। और यहाँ आप जो मध्य में देख रहे हैं एक और शिखर, इस शिखर के नीचे शिवलिंग स्थापित की जाएगी। यानी कि यहाँ पर शिवलिंग की भी स्थापना होगी, भगवान भोलेनाथ की भी स्थापना होगी। भगवान भोलेनाथ जो कि भगवान विष्णु के प्रिय हैं और भगवान विष्णु जो कि भगवान भोलेनाथ के प्रिय हैं। और साथ ही यहाँ 68 मध्य के चारों तरफ आप जो छोटे छोटे शिखर देख रहे हैं यहाँ पर 68 धामों को स्थापित किया जाएगा। तो कुछ इस तरह का भव्य दिव्य स्वरूप होगा भगवान कल्कि के मंदिर का। इस अनोखे मंदिर की अपनी खूबियां भी हैं। इसका निर्माण गुलाबी रंग के उसी पत्थर से किया जा रहा है जिससे सोमनाथ मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है। साथ ही इस मंदिर में स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और क्या क्या इसकी खूबियां हैं एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा होगा। 11 फीट के ऊपर मंदिर का चबूतरा बनेगा। 68 तीर्थ की स्थापना होगी। मंदिर का निर्माण लगभग 5 एकड़ में होगा और निर्माण में करीब 5 साल का समय लग सकता है। ये मंदिर भवन के दृष्टिकोण से भी भव्य होगा और धार्मिक दृष्टिकोण से भी दिव्य होगा।
अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर दुनिया के सामने है। सभी ने उस मंदिर को देख लिया है, क्या खूबसूरत क्या भव्यता उसमें है। अब कौतूहल इस बात को लेकर है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का मंदिर कैसा होगा, जिसका निर्माण संभल में होना शुरू होने वाला है। तो आपको दिखाते हैं ये मंदिर किस तरह का होगा, इसकी खासियतें क्या क्या है। इस वक्त आप इस मॉडल को देख रहे हैं, ये वही कल्कि धाम का मंदिर है जिसका निर्माण होना है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप देखिए गुलाबी पत्थरों से ही इस मंदिर का निर्माण होगा। कुल 5 एकड़ में मंदिर बनाया जाना है और इस मंदिर को अलग अलग अगर हम भागों में बांटे तो आप देखिए 2 मंजिला ये मंदिर है। गुलाबी रंग के पत्थरों का इस्तेमाल है, ये वही पत्थर हैं जो कि सोमनाथ के मंदिर में इस्तेमाल किए गए हैं, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में इस्तेमाल किए गए हैं। इस मंदिर में भी लोहे का सरिये का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, इंटरलॉकिंग सिस्टम से ये मंदिर तैयार होगा। अब रही बात कि मंदिर की ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ आप शिखर देख पा रहे हैं। मंदिर का जो शिखर है वो 108 फीट की ऊंचाई तक होगा और ये मुख्य मंदिर का हिस्सा है। कल्कि धाम के संभल से कनेक्शन की अगर बात की जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका जिक्र कुछ इस तरह से है कि संभल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे और वो बड़े परोपकारी और बड़े धार्मिक होंगे। उस विष्णु भक्त ब्राह्मण के घर ही कल्कि अवतार लेंगे। फिलहाल सोमवार को करीब 11,000 संत विश्व के इस अनोखे मंदिर के शिलान्यास के साक्षी होंगे। सनातन की इस मंगल बेला के लिए संभल तैयार है, बस पीएम मोदी का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसके साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।